ये किसको डिस्टेंस विजन की प्रॉब्लम होती है, दूर बैठे हुए बच्चे को साफ दिखाई नहीं देता, जब वो किताब को दूर कर लेता है तब उसे दिखाई नहीं देता। तो इसके एज ए टीचर, एज ए क्लास इंचार्ज, ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि उन बच्चों को सही मार्गदर्शन करते हुए आप उनके लिए चश्मों की व्यवस्था के लिए उसको आप सरकारी हॉस्पिटल तक रेफर करवा सकते हैं। देखिए, यदि हम जवानी के अंदर उसके बाद यदि हमें चश्मे लगते हैं तो धीरे धीरे नंबर हमारे बढ़ते जाते हैं, एक बार आके स्टेबल हो जाता है। लेकिन बचपन में जिस बच्चे को चश्मे चढ़ जाते हैं और वो अपनी जवानी तक आते आते ही आंखें खो बैठता है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आंखों के बारे में विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। दूसरा हमारा कानों के प्रति, कुछ बच्चों आपने क्लास रूम में देखा होगा, कक्षा में बच्चों का धीरे धीरे उसके कान में पानी आना शुरू होता है, पीला होना शुरू होता है, फिर पानी आता है, फिर उसका पस भी बढ़ जाता है और उसका पर्दा है बिल्कुल डैमेज हो जाता है। आपने स्वयं अपनी आंखों से बच्चे को कॉटन डालते हुए देखा होगा, कॉटन डालते हुए देखा, लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि वो हमारा बच्चा नहीं। और गरीब के बच्चे हमारे पास आते हैं तो उसकी विशेष प्रति, उसके प्रति ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। फिर हमारा उसका दांतों के ऊपर आता है कि दांत हमारे लिए इतने आवश्यक है कि अगर पूरी जिंदगी यदि खाने का, भोजन का यदि आनंद लेना है तो हमारे दांत एकदम सुरक्षित रहने चाहिए। कहते हैं कि लंबी उम्र के लिए यदि हमारा पेट का काम यदि हमारे दांत कर दे और हमारे दांतों का काम यदि हमारे हाथ कर दे, इसलिए चूरमा हलवा ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो वो हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही एकदम अच्छा सिद्ध होता है। अब हमारे गांव में हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो बिना दांतों ब्रश करे हुए आते हैं, उनके मुंह से बदबू आती रहती है और बच्चा अपनी जीभ को उसके चारों तरफ फेरता है उसको ऐसे जीभ फेरेगा उसको और भी अच्छा लगता है। एक्सक्रीटा मतलब मिलियंस की तादाद में पैदा हो जाते हैं और वो कूड़ा निकलने के बाद उसको हैबिचुअल हो जाता है। तो हमारे नीम और बबूल, अगर उसको टूथपेस्ट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। यदि नीम और बबूल के यदि हम उसके मार्गदर्शन कर देते हैं तो एक बहुत अच्छा काम है। या हमारे किसी पेड़ पौधों की कमी नहीं है, यदि नीम बबूल नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई आप कोई भी दूसरा पेड़ का अपने दांतों वगैरह करके अपने दांतों की साफ सफाई करके आ सकते हो।